चलिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन वाई एक्सिस एंड द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 0 to π। तो बेसिकली वाई एक्सिस की जगह मुझे लगता है यहाँ पर एक्स एक्सिस होना चाहिए, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 बेसिक ऑलरेडी वाई वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो दो बार वाई एक्सिस देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर करेक्शन करवा लो, यहाँ पर एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो आपको एरिया निकालना है रीजन का जो बाउंडेड बाय है कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इक्वेशन, कॉस एक्स का कर्व हमें पता होता है बेटा। कॉस एक्स का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 एंड मिनिमम वैल्यू होता है -1। मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे ये जाएगा नहीं कर्व, ठीक है? तो इसके बीच में ही ये कर्व रहेगा। अब ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है? आपको तो 12th के हो आप लोग। 0 इसको π/2 यहाँ पर लेता हूँ, पाई लेता हूँ 3π/2 एंड फिर है 2π, ठीक है? तो एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब ये है आपका एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज वाई एक्सिस इज नथिंग बट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 2π मतलब 2π में से पास होने वाली लाइन, सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2π, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू 2π, सो ये लाइन कॉस एक्स का कर्व एंड एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस होना चाहिए, इन चारों ने मिलके जो रीजन बाउंड किया है उसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉस एक्स के कर्व की। तो 0 पर वैल्यू क्या होता है कॉस का? 1 होता है, और 90 पर 0 होता है। तो आपको पता है इसका कर्व कैसे आता है? ऐसे करके जाता है, फिर यहाँ पर नीचे चला आता है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, और फिर यहाँ से यहाँ पर आता है। तो बेटा हमें जो एरिया निकालना है, देखिए एक्स एक्सिस है यहाँ पर, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस है और यहाँ पर भी एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस कर्व एंड ये इसने बाउंड किया हुआ एरिया ये, फिर एक्स एक्सिस एंड कर्व इसने बाउंड किया हुआ एरिया है ये वाला, फिर एक्स एक्सिस कर्व एंड एक वाई एक्सिस इसने बाउंड किया हुआ एरिया है ये। सो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, आपको इसका एरिया निकालना है। सो एरिया निकालेंगे कैसे? देखिए आपको यहाँ पर इंटरवल्स बनानी होगी, क्योंकि 0 से π/2 तक अलग रीजन है, यही रीजन π/2 से 2π तक है। तो ये दोनों को एक कर सकते हो आप, नहीं तो आप सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक 0 से π/2 तक आप लेंगे, फिर π/2 से तो 3π/2 तक आप एक रीजन कंसिडर कर सकते हो, और 3π/2 से 2π तक एक रीजन। ऐसे तीन अलग अलग रीजन्स के तीन इंटरवल्स बना के आप लोग इसका एरिया ऐड करेंगे। सबसे पहले ये वाले रीजन का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, तो 0 से π/2 तक इंटरवल रहेगा, लिमिट्स रहेगा, और फंक्शन क्या दिया हुआ है? ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस एक्स को रिप्रेजेंट करता है। कॉस एक्स रहेगा फंक्शन, इसको इंडिकेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/2। अगर मैं अपर लिमिट रख देता हूँ तो sin π/2 -sin 0, वैल्यू आपको मिलेगा 1, ठीक है? इसका एरिया आपको मिल गया है 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है, ठीक है? अब आपको निकालना है इसका एरिया इस वाले का। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ रहेगा? π/2 से 3π/2 तक लिमिट्स है, π/2 से 3π/2 तक लिमिट है। फंक्शन है आपका कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा साइन एक्स, फिर π/2 से 3π/2 तक। अपर लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे साइन 3π/2। अब 3π/2 मतलब क्या? 270 डिग्री। 270 डिग्री साइन 3π/2 का वैल्यू क्या होता है? सर्कल निकालिए, पता नहीं है तो 0, -1 ये होता है वैल्यू साइन 3π/2 का, -sin π/2। इसका वैल्यू आता है -1, ये -1, ये माइनस, आएगा -2। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बिलो है तो इसका एरिया ऑब्वियसली नेगेटिव हमें मिलना ही था, लेकिन हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव। जब ऐड करेंगे तब पॉजिटिव कंसिडर करके करेंगे, वरना एरिया 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट, जब हम ये एरिया निकाल रहे हैं तो ये और ये एरिया सेम ही आएगा, अगर ये यकीन नहीं है तो करके देख सकते हो। लेकिन जब निकाल रहे हो ये वाला एरिया, तो फंक्शन तो कॉस एक्स ही रहेगा, लिमिट सिर्फ लेंगे आप लोग 3π/2 से तो 2π तक, ठीक है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा साइन एक्स 2π, और ये 3π/2। साइन 2π का वैल्यू आएगा 0, और इसका वैल्यू रहेगा -1, -1 +1।
सो ये वन, ये प्लस टू थ्री एंड ये वन फोर. सो फोर स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इन क्वेश्चन नंबर सिक्स. ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन. पॉज करके लिख सकते हो आप लोग. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन. द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स एक्सिस है एंड द लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, सबसे पहले तो पैराबोला है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स के साथ में. सो दिस विल इम्प्लाइज फोर ए इज इक्वल टू एट, सो ए का वैल्यू मिलेगा टू. देयरफोर फोकस क्या रहेगा आपका, ए कॉमा जीरो दैट इज टू कॉमा जीरो. सो आपका जो पैराबोला है वो बेसिकली कौन से टाइप का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स और ओरिजिन में से पास होने वाला है, तो ये है आपका पैराबोला. अब यहाँ पर भी आपका फोकस क्या है, टू कॉमा जीरो. ठीक है, सो टू कॉमा जीरो इज द फोकस. सो फोकस में से पास होगी ये है आपकी लेटेस्ट रेक्टम जो परपेंडिकुलर भी होगी. सो आपको रीजन निकालना है एक्स एक्सिस एंड दिस पैराबोला एंड द लेटेस्ट रेक्टम, मतलब ये पूरा का पूरा आपको निकालना है. तो आप लोग सिर्फ इतना कैलकुलेट करके इसको डबल कर सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक है, चलिए तो इतने का ही एरिया निकाल लेते हैं. सो इतने का एरिया निकालना मतलब वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो एट का स्क्वायर रूट आएगा टू रूट टू एक्स का स्क्वायर रूट आएगा रूट एक्स और लिमिट्स रहेंगे जीरो से लेकर तो टू तक. सो देयर फोर एरिया इज इक्वल टू टू टाइम्स टू टाइम्स जीरो टू 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 रूट टू इंटू एक्स रेस टू वन बाई टू डी एक्स. सो ये टू रूट टू बाहर ले लो, टू इंटू टू फोर रूट टू और एक्स रेस टू वन बाई टू का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू जीरो से टू. सो ये टू बाई थ्री मल्टीप्लाई होगा, सो फोर रूट टू इंटू टू बाई थ्री और एक्स रेस टू थ्री बाई टू, सॉरी अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टू रेस टू थ्री बाई टू माइनस जीरो. ठीक है, सो ये बेसिकली आपको मिल रहा है यहाँ पर एट रूट टू बाय थ्री इंटू, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टू रेस टू थ्री बाई टू का मतलब होता है, टू रेस टू थ्री बाई टू का मतलब क्या होता है, टू रूट टू, टू रूट टू. सो एट टू ज़ा सिक्सटीन, रूट टू इंटू रूट टू टू, सो सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू. सो थर्टी टू बाई थ्री विल बी, थर्टी टू बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स विल बी द राइट आंसर. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर सेवन. सो आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ. क्वेश्चन नंबर एट है द एरिया अंडर द कर्व एट वाई इज इक्वल टू टू रूट एक्स. ये कर्व है आपका enclosed between the lines x is equals to 0 and x is equals to 1 is. अब सबसे पहले ज़रूरी है कि कर्व कैसे है वो निकालेंगे. सो आपके पास लाइन्स कौन कौन सी है, x is equals to 0 मतलब y एक्सिस है, x is equals to 0 मतलब y एक्सिस एंड x is equals to 1 मतलब ये लाइन. अब आपका कर्व कैसा है बेटा, y is equals to 2 root x, ये आपका कर्व है. मतलब x और y की वैल्यूज के बारे में सोचते हैं, जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x का वैल्यू जब 1 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू जब 4 होगा तब y का वैल्यू भी 4 होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 बनेगा. ठीक है, और x की वैल्यूज नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. ठीक है, क्योंकि फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा. सो आपका कर्व कैसे रहेगा फिर, अगर x का वैल्यू मैं 16 रख देता हूँ तो y का वैल्यू मुझे 8 मिलेगा. x का वैल्यू आगे अगर 25 रखेंगे तो, मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो ग्राफ का नेचर कैसे रहेगा, दैट विल पास थ्रू ओरिजिन एंड
वन के लिए टू मिल रहा है आपको, पॉइंट ये रहेगा। फिर फोर के लिए फोर मिल रहा है, फिर एट के लिए सिक्सटीन मिल रहा है, सॉरी सिक्सटीन के लिए एट मिल रहा है। तो मतलब आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो हमें बस चाहिए था एरिया। सो ये है आपका ग्राफ y इज इक्वल्स टू टू रूट एक्स। सो आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। सो इसके बिलो आने वाला x एक्सिस और इसके बीच में आएगा वो। सो लिमिट्स क्या है आपके, ज़ीरो से लेकर, तो देखिए इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, x का वैल्यू x इज इक्वल्स टू वन है ना, ये लाइन को कर्व कहाँ पर कट करेगा ये कैसे पता चलेगा, तो x का वैल्यू वन यहाँ पर डाल के देखिए, तो y इज इक्वल्स टू टू मिलेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, 2। सो ये जो लिमिट्स है ये रहेगा 0 to 1। सो सिंपली जब आपको ये एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे आप टू रूट एक्स को, टू रूट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। टू कॉन्स्टेंट है बेटा, इसको बाहर ले लिया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/2 / 3/2 एंड 0 से 1। सो ये आपको मिलेगा 4/3 1। सो 4/3 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8th का सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको दिया है सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, सिंपल सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओरिजिन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में इसको अगर कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये इंप्लाई करेगा रेडियस आपका 5 है, 5 यूनिट्स इतना रेडियस है। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ओरिजिन, वो है ये ओरिजिन, और रेडियस कितना है इसका, 5 यूनिट्स है, यहाँ पर 5 मान लेता हूँ, तो ये आपका सर्कल रहेगा, ठीक है। सो आपका ये सर्कल है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपके पास कर्व का इक्वेशन रहेगा, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालिए कर्व का इक्वेशन, और लिमिट्स रहेंगे 0 से π तक। सो इस कर्व का इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप, तो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया है ना, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - x², ठीक है। और y कम्प्लीटली y चाहिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 25 - x². अब ये मिल गया आपको इस कर्व का इक्वेशन, ठीक है। सो y इन टर्म्स ऑफ x जब आप लिखते हो चीज़ों को तब आपको उसका इक्वेशन मिल जाता है। सो इसको इंटीग्रेट करना है आपको, 25 को लिखे 5² - x² dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, आपको याद है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, रूट के अंदर a² - x² dx है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट ऑफ a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे। सो x/2 रूट ऑफ a² - x² मतलब 25 - x² प्लस a² / 2 मतलब 25/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a मतलब x/5 और 0 से लेकर 5 तक आपका लिमिट है। चलिए अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पॉज करके लिख लो आप, मैं इसको हटा देता हूँ। जब अपर लिमिट में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 5/2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 25 आने के बाद ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। जब मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या समझते हो, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसके साइन रेशो का वैल्यू 1 आता है, दैट इज π/2। सो साइन इनवर्स 1 होता है π/2। तो जब आप अपर लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर कर दिया तो 0 मिल गया, यहाँ पर करेंगे तो 25/2 एज इट इज़ रहेगा और साइन इनवर्स ऑफ 1 रहेगा π/2, और जब लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। सॉरी मतलब फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 25π/4, ठीक है। सो ऑप्शन ए को मॉडिफाई कर दो
ऑप्शन ए में ये वाला ऑप्शन लिख दो और ये आंसर आपका रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के में, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा आपको इलिप्स का, ये तो स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, ये कुछ इस प्रकार का इलिप्स है। सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। सो इलिप्स ने जो बाउंड किया हुआ एरिया है उसका एरिया निकालना है। तो ये इलिप्स जो होता है बेटा, ये सिमेट्रिक होता है एक्स वाई और ओरिजिन की तरफ। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये इतना भी एरिया निकाल देते हो तो भी आपका काम जम जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो और ये होता है जीरो कॉमा बी। सो हमें क्या चाहिए, हमें इस कर्व का इक्वेशन चाहिए। सो जब भी इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे उसको। सो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में भेज दिया। अब आपके पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर को इधर ले जाके इधर भेज देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू बी बाय ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपको लिमिट्स मिल चुके हैं जीरो से लेकर तो ए तक, और फंक्शन भी मिल चुका है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो देयरफॉर एरिया, अब आप सिर्फ इतने रीजन का एरिया निकालने वाले हो। तो एक बार ये निकाल लिया तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर से, क्योंकि इतना इसका जितना एरिया है उतना ही इस पोर्शन का है, उतना ही इस पोर्शन का है, उतना ही इस पोर्शन का है। हम लोग सिर्फ इसका एरिया निकाल रहे हैं तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू फोर टाइम्स जीरो टू ए। और इस कर्व का हम लोगों ने फंक्शन निकाल चुका है, यहाँ पर इक्वेशन निकाला है, दैट इज बी बाय ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ये बी बाय ए जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। और इसका इंटीग्रेशन हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अभी देखा था, दैट इज एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और अपर लिमिट है ए, लोअर लिमिट है जीरो। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलता है देखेंगे। ए अगर अपर लिमिट में सब्सटीट्यूट किया तो ये तो जीरो बन जाएगा, यहाँ पर किया तो ए स्क्वायर बाय टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ वन बन जाएगा पाई बाय टू, और जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, ठीक है। सो आपको फाइनल आंसर मिला है, ये ए इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ये फोर इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो ए पाई ए बी विल बी द आंसर, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। आप इस आंसर को ध्यान में भी रख सकते हो, स्टैंडर्ड इलिप्स का एरिया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस इलिप्स का एरिया आता है पाई टाइम्स ए बी, इसको आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर रुकेंगे बेटा, यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे पहले 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के। बाकी के बचे 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।